अंदर आओ बहू। अपने घर के अंदर चलो बोंधता। चलिए सका। अब मेरा मतलब अब पति बाबू। अब पति बाबू बुला सकती हो। मैं तो कहता हूँ आदत डाल लो। सच कहे तो सही मायने में आज असल ग्रह प्रवेश हुआ है तुम्हारा। और इस बार ये कदम जो इस घर में आए हैं ना, मुड़ के दोबारा बाहर कभी नहीं जाएंगे। भारी बाबू अब रो रहे हैं, तो फिर घर की इस मालकिन का स्वागत कौन करेगा? हम ही करेंगे, बिहारी बाबू ही करेगा और बहुत जोर शोर से करेगा। हम दिल से स्वागत करते हैं तुम दोनों को। जाओ दुर्गा माँ के पास जाओ और आशीर्वाद ले लो, ताकि इस रिश्ते को किसी की नजर ना लगे। नहीं 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 नहीं, मैं बोंधता को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। किसी और की नहीं हो सकती वो। अब कुछ नहीं हो सकता चंद्रचूड़ बाबू। क्यों क्यों कुछ नहीं हो सकता? मैं हार नहीं मानूंगा। माना बोंधता का मन बैरिस्टर बाबू ने जीत लिया, लेकिन उसका उसका तन वो मेरा होगा। चाहे बैरिस्टर बाबू की बोंधता से शादी हो गई हो, लेकिन सुहाग रात बोंधता मेरे साथ मनाएगी। बोंधता के दिल पे ये बैरिस्टर बाबू का नाम लिखा है ना, तो ठीक है। अब चाहे छल से या बल से उसके शरीर पे मोहर चंद्रचूर के नाम की लगेगी, मेरे नाम की, सिर्फ मेरे नाम की। उधर देखो, यहां तो कोई नहीं है। जिस लड़की ने हमारी बातें सुनी हैं, ये पायल उसी की है। जाके ढूंढो उसे सब जगह। अपने दूसरे पांव में उसने ऐसी पायल पहनी होगी। जाओ जी।
मुझे आसपास ही रहना होगा बौंदता के, क्योंकि जिसने भी मेरी बातें सुनी है वो बौंदता को सावधान करने की कोशिश जरूर करेगा। आपने मेरी हर इच्छा पूरी कर दी दुर्गा माँ। मेरी भी। कृष्णा नगर और तुलसीपुर के बीच के दुश्मनी को मिटा दिया। मुझे मेरे सखा बाबू मिल गए और मुझे मिल गया मेरा प्यार बौंदता। सखा बाबू से ये मेरे पति बाबू हो गए। और बौंदता सखी से मेरी पत्नी। धन्यवाद दुर्गा माँ। तो क्या हुआ अगर अनिरुद्ध से शादी हो गई उसकी, पर बौंदता को मैं हासिल करके रहूंगा। और जिसने भी मेरी बातें सुनी हैं, उसे ढूंढ के उसकी आवाज को भी दबा दूंगा। बौंदता दीदी, दीदी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी। चंद्र से जमाई बाबू। सुमति माँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं सोच रहा था कि हम भी जाकर दुर्गा माँ का आशीर्वाद ले लें। आइए ना। दीदी ठाकुर माँ ने कहलवाया है कि आपकी आज शादी हो गई है, पर आप अभी नहीं मिल सकती अनिरुद्ध जोमाई बाबू से। क्यों, कहा ठाकुर माँ ने ऐसे? अभी शादी के बाद की कुछ और रस्में बाकी है और फिर आज काल रात्रि है, तो सीधा कल मिल लेना। सीधा पुरुष हो जाते। अब रस्में हैं तो निभानी होंगी। ठीक है, लेकिन किसी रस्म में अपनी दुल्हन को एक बादाम वाले रसगुल्ले तो खिला सकते हैं ना? ठीक है, आप रसगुल्ले खाकर बाकी और रस्मों के लिए बाहर आ जाइएगा। टापुर ने तो पायल ही नहीं पहनी है। मुझे एक पायल वाली औरत ढूंढनी होगी जिसने मेरी बातें सुनी। क्या कर रही हो? बेटा, तुम्हारे बालों की ये लट, तुम्हारे गालों की लटकती पसंद है मुझे। मेरे तुम्हारे पास होने का एहसास दिलाती हूँ भी तुम्हें ऐसा लगता है मुझे। रहने दो ना उसे। उस औरत का उस पता चला? मोहित चंद्रचूर बाबू। आपके पैर के लिए ये दवा पी लीजिए। ले लूंगा। अरे अभी पीजिए ना। ये बौंदता का मुकुट और ये अनिरुद्ध का टोपर। अब अनिरुद्ध का टोपर बौंदता के मुकुट के पीछे जाता है या मुकुट टोपर के पीछे जाता है, इससे ये तय होगा कि इस रिश्ते में कौन आगे चलेगा, अनिरुद्ध या बौंदता। चलो देखते। या तो पत्नी पति का सुनेगी या पति पत्नी का, पत्नी का रॉब चलेगा या पति का, अभी पता चल जाएगा। पति बाबू आप जीत गए, अब अच्छे पत्नी की तरह आपके पीछे घूमती रहूंगी जीवन भर। बौंदता, पर इस बार अनिरुद्ध का टोपर तेरी मुकुट के पीछे है। ये तो अच्छी बात है, मैं तो खुशी खुशी जीवन भर बौंदता के पीछे चलने को तैयार हूँ। संपूर्ण ना उसकी शुरुआत आज से कर लेते हैं। आज
काल रात्रि है तो आज रात भर मैं बोनता के पीछे पीछे चलता रहूंगा अगर आप कहें तो। बिल्कुल नहीं। नीचे रहो। अरे बिल आंखें फूट गई हैं क्या तेरी? सारा काड़ा मुझ पे गिरा दिया, अंधी है क्या, दिखाई नहीं देता? चुप, एकदम चुप, खबरदार जो एक भी शब्द बोला। जमाई बाबू, इसे क्या कर दिया है टुपुर ने? टुपुर ने कुछ नहीं किया ठाकुमा, मैंने किया है। अरे मेरी गलती है कि मैंने इससे शादी कर ली। एक काड़ा तक ढंग से माना के टुपुर से गलती हुई है चंद्रचूर, पर तुम्हें उस पर हाथ उठाने का कोई अधिकार नहीं। अब ये मत कहना कि पत्नी है तो कुछ भी कर सकते हो। पत्नी ना भी होती तो भी तुम्हें किसी भी औरत पर हाथ उठाने का कोई अधिकार नहीं। हम दोनों पति पत्नी के मामले के बीच में आप क्यों पड़ रहे हैं बैरिस्टर बाबू? ये मामला सिर्फ तुम्हारा नहीं चंद्रचूर, ये मामला इंसानियत का है। टुपुर इंसान है, तुम्हारी पत्नी हो जाने से वो तुम्हारी संपत्ति नहीं हो जाती। तुम्हारा खरीदा कोई खिलौना नहीं जिसे तुम जब चाहे जैसे चाहे खेल लो, मरोड़ लो, तोड़ लो। अनिरुद्ध बेटा, पति पत्नी के बीच का मामला है, उनको देखने दे, तू क्यों बीच में पड़ता है? नहीं काका, ये पति पत्नी के बीच का मामला नहीं, ये थप्पड़ सिर्फ टुकुर को नहीं लगा, ये थप्पड़ हर उस औरत को लगा है जिसका पति उसे अपने आप से नीचा मानता है, अपने आप से कमजोर मानता है। आज अगर हमने इस बर्ताव को खड़े खड़े नजरअंदाज कर लिया ना काका, तो हम ऐसे बर्ताव को सिर्फ बढ़ावा दे रहे होंगे, और मैं ऐसे बर्ताव को बढ़ावा नहीं दे सकता। मेरा साफ साफ मानना है कि पति का पत्नी पर हाथ उठाना एक गुनाह है और चंद्रचूड़ गुनहगार है। अनिरुद्ध जमाई बाबू, इतनी बड़ी बात नहीं जितना आप बना रहे हैं। इन्होंने क्या आपस का मामला है? जहाँ प्यार होता है वहाँ तकरार भी होती है। होता है? अगर ये बात इतनी मामूली है तो ठीक है, अगर पति पत्नी के बीच प्यार के साथ तकरार होना चलता है तो ठीक है ठाकुमा। ये तुम क्या कह रही हो बोनता? मैं सही कह रही हूँ पति बाबू, अगर दो बर्तन होंगे तो वो खड़केंगे भी, पर हाँ, खड़कने का अधिकार दोनों बर्तनों को बराबर का मिलना चाहिए। वैसे ही प्यार और तकरार दिखाने का अधिकार दोनों पति पत्नी को बराबर का मिलना चाहिए। तो अगर जमाई बाबू ने अपना प्यार दिखा दिया है तो टुपुर भी हाथ उठाकर अपना प्यार दिखाए। मारो जमाई बाबू को एक थप्पड़। अगर पति पत्नी के बीच आपके लिए सब चलता है ठाकुमा। क्या पागलपन की बातें कर रही है तू? पत्नी का धर्म होता है पति का मान रखना। पति भगवान होता है पत्नी के लिए, पत्नी को जो कुछ भी प्रसाद में मिल जाए उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और ठाकुमा, पति पत्नी को पैर की जूती मान लीजिए सही। अरे भगवान बनना तो दूर, अगर पति इंसान बन जाए ना तो उतना ही काफी होगा। और पत्नी पर हाथ उठाना नहीं बल्कि पत्नी पर उठने वाले हर हाथ को रोकना पति का धर्म होता है। और पत्नी पर हाथ उठाना हर हाल में गलत है, गलत है, गलत है। और जमाई बाबू, आपने टुपुर पर हाथ उठाकर मेरे दिल में आपके लिए जो सम्मान था उसे खत्म कर दिया है। मैं आपका बहुत आदर करती थी कि आप टुपुर के साथ हैं, उसकी ताकत बनकर उसके साथ खड़े हैं, पर आज
आज मुझे आप में वो बुजदिल हैवान नजर आया जो अपनी पत्नी पे हाथ उठाता है। बस कर बोंदिता, जाने दे, आदमियों को गुस्सा आ जाता है तो हाथ उठ जाता है उनका, इसमें कुछ गलत नहीं है। गलत है टुपुर, बिल्कुल गलत है। एक शादी में पति और पत्नी दोनों बराबर होते हैं, और जब कोई पति अपने पत्नी को मारता है ना, वो सिर्फ उसे मारता नहीं, उसके दिल को छलनी करता है, उसके आत्मविश्वास को तोड़ता है, उस प्यार, उस भरोसे को तोड़ता है जो उसकी पत्नी उससे करती है। और वही चंद्रचूड़ ने किया। आज आप ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो यहां नहीं चलते, क्योंकि यहां की औरतों को आदत होती है मार खाने की। पूछ लेते हैं, आप बताइए जो मैंने किया क्या वो मैंने गलत किया, बताइए बैरिस्टर बाबू को। हाँ मारा है तो क्या हुआ, इतनी छोटी बात को तुल क्यों दे रहे हैं आप? हाँ, छोटी सी बात का तमाशा बनाना शोभा देता है क्या? इससे घर ही टूटते हैं। अरे थप्पड़ ही तो मारा है, किसी ने जान थोड़ी ले ली। वाह वाह वाह, कितने महान ख्याल है आपके, शर्म नहीं आती आपको ये कहते हुए कि मारा ही तो है। ये पत्नी है जिसके साथ लिए सात फेरों में एक वचन रक्षा का भी लेता है पति, और अगर रक्षक ही राक्षस बन जाए तो पूजा के लायक नहीं रहता, वो नजरों से गिर जाता है। और पत्नी एक औरत है जो जन्म के लिए अपनी कोख देती है, पोषण के लिए अपना दूध देती है, और बदले में क्या मांगती है? प्यार और सम्मान। और पति बदले में क्या देता है? थप्पड़। थप्पड़ सिर्फ पत्नी पे हाथ उठाना नहीं होता, बल्कि उसके आत्मसम्मान को मारना होता है। थप्पड़ वो सोच है जो एक आदमी औरत को बार बार बताने की कोशिश करता है कि वो उसके नजरों में उससे नीचे है। और आपको घर टूटता दिखता है पर पत्नी का दिल टूटता नहीं दिखता, उसकी आत्मा मरती नहीं दिखती आपको। आप सब ढोंगी है, वो ढोंगी जो मंदिर में देवी की पूजा तो करते हैं और बाहर बाहर देवी रूप औरतों पे हाथ उठाते हैं। मैं और पति बाबू आप लोगों की तरह डरपोक नहीं है, भले ही आप सब एक तरफ हो जाए पर हम औरतों के साथ होने वाले इस अन्याय का विरोध करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक चंद्रचूड़ टुकुर से माफी नहीं मांग लेता। हाँ, नहीं। एक बार तो मैंने ठाकुर माँ की खातिर उस आदमी से माफी मांग ली थी, पर इस बार अपनी पत्नी से मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, कभी नहीं। तुम मुझ पे हुक्म चलाना बंद करो, मैं नौकर नहीं हूं तुम्हारा। हो तो तुम इंसान भी नहीं चंद्रचूड़, पर माफी तुम मांगोगे वरना क्या करोगे, जान ले लोगे? इंसान नहीं थे ये तो देख लिया था, पर जानवरों को भी याददाश्त होती है, तुम्हें तो वो भी नहीं। याद नहीं मैंने कहा था अगर मेरे सामने किसी निर्दोष का अपमान होगा तो हाँ मैं जान ले लूंगा चंद्रचूड़।